हेलो स्टूडेंट क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कदम का पेड़। ये एक कविता है जिसमें एक बालक अपनी माँ को परेशान करते हुए ये कविता बोलता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यमुना तीरे का मतलब यमुना के किनारे। तो वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है, माँ अगर ये कदम का पेड़ किसी यमुना जी के किनारे कहीं पे होता तो मैं उस पेड़ पर चढ़कर कन्हैया बनता। जिस प्रकार कन्हैया जी यमुना के किनारे पेड़ पर बैठ के बांसुरी बजाते थे, उसी प्रकार मैं भी इस पर चढ़कर कन्हैया जैसा बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। और आप मुझको बांसुरी दे देती तो मैं भी कन्हैया बनके कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता, वो कदम की डाली जो है वो झुक जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊँचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बांसी के स्वर में तुम्हें बुलाना। वो कह रहा है कि माँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, और वो बांसुरी लेकर मैं पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता और उस बांसुरी से अम्मा अम्मा की ध्वनि, अम्मा अम्मा की आवाज़ निकलती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छुपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी कि वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए कहता है कि माँ अगर तुम बांसुरी की आवाज़ सुनकर बाहर आती तो मैं पेड़ों के पत्तों पर छुप जाता और तुम मुझे ढूंढती रहती और मैं फिर से पेड़ों में पत्तों छुप के बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ने राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। और कहता है कि माँ जब मैं तुम्हारे कहने पर नीचे नहीं आता तो तुम मुझे प्यार से बुलाती, डांट के बुलाती, और फिर भी अगर मैं नीचे नहीं आता तो तुम मुझे लालच देती मिठाई का, दूध मिलाई, माखन मिश्री का, कहती कि नीचे आ जा तो मैं तुझको ये सब चीज़ें खाने के लिए दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में फिर कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो कहता कि अगर तुम मुझे नीचे बुलाती तो मैं और कदम की डाली में और ऊपर चढ़ जाता और तुम मुझे ऊपर जाता देख परेशान हो जाती, जो तुम्हारा माँ का हृदय है वो विकल हो जाता। विकल मतलब परेशान हो जाता, व्याकुल, बेचैन हो जाता कि कहीं मैं इस पेड़ से गिर ना जाऊं, इसलिए तुम और ज़्यादा परेशान हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फेरने आंचल के नीचे छुप जाता। और कहता है कि जब तुम्हें लगता कि मैं नीचे गिर जाऊँगा इसलिए तुम अपना आंचल फैला के बैठ जाती, यदि मैं गिरूँ तो उस आंचल में गिरूँ और मुझे चोट लगने से बच जाए, और भगवान से प्रार्थना करती कि मैं इस पेड़ से गिर ना जाऊं। लेकिन जब मैं देखता कि तुम ज़्यादा परेशान हो तो मैं धीरे धीरे नीचे आता और तुम्हारे आंचल में आके छुप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर से खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो वो कहता है और तुम मुझे अपने आंचल में देख के फिर से खुश हो जाती और मुझे प्रेम से प्यार से गले लगाती, और हम इसी तरह रोज़ इसी तरह खेला करते, मैं पेड़ पे चढ़ जाता तो मुझे बुलाने आती, और इसी अगर ये यमुना के किनारे ये कदम का पेड़ होता तो हम रोज़ इसी तरह से खेला करते। तो ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है, और इस कविता से हमें क्या संदेश मिला कि एक ममता महिमा उसके नटखट और अल्लाहपुर के चुलबुलेपन का वर्णन करते हुए संदेश दिया कि बच्चों को कभी अपनी शैतानी से माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के आपको शब्दार्थ टिक राइट और रिक्त स्थान सही मिलान करने हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं, आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।